यार मर गया महंगाई ना सवेर दे बैठे टगा वटिया नहीं कारोबार है को नहीं कोई भी पीटीए की को मजहब से आई है लोग रोटी से तंग हो गए हैं। अब ये उनको चोर कह रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। ये बड़ा वड्डा गिरदार है पाकिस्तान दे विच, इन्हें तो रहने कख नहीं था गरीबां मार चढ़िया ये नूनलीग सारी चोर है, आपको भी पता है इन पे केसेस चल रहे हैं, सारा मसला हो रहा है। नूनलीग का ही हक बनता है, ये तरीके इंसाफ ने किया क्या है, अभी 2-2.5 साल हो गए हैं तो क्या किया है इन्होंने, काम अच्छे करते हैं, कारोबार अरूज पे होता है उस उनके दौर में। असं उन्होंने दिते हैं वोट क्योंकि सानू पता बड़ी लीड के साथ इलेक्शन विन किया था। अगस्त में उनकी वफात के बाद से लेकर नेशनल असेंबली की ये सीट खाली है। इस दफा इलेक्शन में उनकी साहबजादी सईदा नौशीन इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि 7 फरवरी या फरवरी के पहले वीक में यहाँ पे डस्का NA-75 में ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे आम आवाम से बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि इस दफ़ा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगी या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। NA-75 से दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी ठीक है, किनू वोट दोगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या तरीके इंसाफ? सर मुस्लिम लीग नून देंगे, क्यों? इस वास्ते कि इमरान खान ने तबाही लाई हीड़ी मुल्क की, ये अपना घर नहीं चला सकता, इन्हें मुल्क पूरा किवें चलाना है, ये तो सिर्फ क्रिकेट चला सकता है, क्रिकेट का कप्तान से मुल्क बना दिता बेड़ा घर कर छेड़ा मुल्क का, तो लिहाजा इस वास्ते फिर अही आंदा मियाँ नवाज शरीफ आवे, शहबाज शरीफ आवे, पंजाब सीधा होवे, पंजाब के फिर मसाइल हल होन, पाकिस्तान का फिर तरक्की करे। इस वास्ते एक कप्तान है क्रिकेट का, लिहाजा इन्हू क्रिकेट का कप्तान बनाया जाए, इन्हें मुल्क का कप्तान का बनाया, जी ताकत ने इन्हू कप्तान बनाया, अभी उन्होंने अगर माजरत करने कि इस साढ़े को दूर कर छेड़ो, मुल्क तबाह हो चला, कारोबार तबाह हो गए ने, महंगाई ने अंबार ला छड़े ने, आटा लभदा नहीं पाया, चीनी जी बेड़ा गर्क हो गया। इस वास्ते बड़ी बराए मेहरबानी जिन्हें ताकत इन्होंने लिया है, उन्होंने बूट पाए ने, मैं भी वर्दी पाई, उन्हें भी वर्दी पाई है, तो जिन्हें ताकत लिया उन्होंने गुजारिश करने रिक्वेस्ट करने अर्ज करने कि वापस आइए जितों लैके उड़ा वो तो इसकी क्या वजह? ओ यार मर गया महंगाई ना सवेर दे बैठे टगा वटिया नहीं, कारोबार है को नहीं कोई भी, लोहा कितने ही जरा 110 रुपये लेने 220 तो होने डे, मोटर जी 200 रुपये किलो लेने, 350-450-450 रुपये किलो लेने, ना को खरीद के रा दी ना दे के रा दी ना ले के रा दी, लेकिन हुकूमत तो फिर भी पीटी की रहेगी ना, रवे तो को नहीं गल खैर सला रवे को नहीं, ऐसी गल उन्हें सरबरा चंगे ने रहनी, उन्होंने रहनी साड़ी तो नहीं रहनी। सारे पिछली दफा आपने नून लीग को वोट दिया था? मैं ज्यों जमया उन्होंने देना पाया। तो वो उनकी तो वफात हो गया, अब उनकी उनकी बेटी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो आप उन्हें वोट देंगे? कोई गल नहीं, नून लीग देने बेटी शाहरी के आगे थे कोई दे के जाते हैं, पीटीआई को तो हम वोट नहीं देंगे, ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत बेहतर थी इससे पहले, तो बात ये है कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, तो कोई बात ही नहीं इमरान खान सदा के लिए हुकूमत कर सकता है, अगर सिर्फ महंगाई कंट्रोल हो जाए बस ये बात है। तो आप नून लीग को वोट देंगे? जी बिल्कुल, नून को ही देंगे इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा नून लीग को दिया था? नून लीग को दिया था। अच्छा, तो क्यों देंगे नून लीग को? काम अच्छे करते हैं, कारोबार अरूज पे होता है उस उनके दौर में, और क्या होता है? लेकिन अभी तो तरीके इंसाफ की हुकूमत है ना, जिसकी भी हो काम खत्म। तो तरीके इंसाफ को क्यों नहीं देंगे आपको, वो उनकी जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी? हम नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं देंगे, हमारी मर्जी है। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर आप किसको वोट देंगे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ या नून लीग को? जी नून लीग को इंशाल्लाह देंगे। इसकी क्या वजह? जी वो काम अच्छे करते हैं, उनकी हुकूमत में आज चीज़ महंगाई भी कम थी और कारोबार भी था और हर लिहाज से अच्छे थे। तो आप नून लीग को इस दफ़ा फिर देंगे? जी इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। नून लीग का ही हक बनता है, ये तरीके इंसाफ ने किया क्या है, अभी 2-2.5 साल हो गए हैं तो क्या किया इन्होंने, कोई काम नहीं किया, मुल्क का बर्बादी करके रख दी है इन्होंने, हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, इसका एहसास होना चाहिए ना गवर्नमेंट को, तो जब ये सोचेंगी नहीं तो फिर क्या होगा, गरीब आदमी जो है वो कितना परेशान है। लेकिन हुकूमत तो फिर भी पीटीए की रहेगी? नहीं, इनकी हुकूमत फारग है, अभी जा रही है ये 1-1.5 महीने के अंदर बस। वो कैसे? वो जा रही है ना बस, आप लोगों को नहीं ना पता कि अंदर की खबरें क्या हैं, आपका ये जो वज़ीर आज़म है नलायक आदमी, ये खुद कह रहा है कि ये हमारे बस का रोग नहीं है।
दूसरे तो कोई नहीं कह रहे, ये खुद ही कह रहा है। तो इस हल्के से दोबारा नून लीग ही विन करेगी इंशाल्लाह, ये इसको फर्क है। ये लोग पिछली दफा मैं असं उन्होंने दिते हैं वोट, क्योंकि सानू पता कि इतने जोड़ा भी नाड़ी आएगा उन्हें अपना ढिड भरना है। ये तो आप ही भी करार कर देना भी सू तजर्बा नहीं होया, तो जिन्हें दाज फिर लगे ना वो नाल सारे ही खाऊ ने, कोई आखिर मैं साथ दा कोई नहीं। नून लीग को देंगे, क्या वजह इसकी? क्या वजह क्या यार, पीटीआई की हुकूमत जब से आई है लोग रोटी से तंग हो गए हैं। ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत में रोड साफ थे, ठीक है, महंगाई इतनी नहीं थी, मजदूरदार को भी रोज़गार मिला हुआ था। जब से इमरान खान आया हुआ है कोई तब्दीली ऐसी आई है कि लोग दो टाइम की रोटी खाने से मजबूर हो गए हैं। तो हुकूमत तो फिर भी उसकी रहेगी ना, अगर यहाँ पे आप NA-75 में दोबारा नून लीग जीत जाती है तो। वैसे देखे ना, नून लीग आएगी, एक दफ़ा फिर आएगी और गज बज के आएगी, ये हमारा वादा है। आप नून लीग को देंगे वोट? हाँ, नून लीग को ही देंगे। नून को देंगे, क्यों, क्या वजह है? बस वैसे ही उन्हें पहले भी देने सही हो आदमी, तहरीके इंसाफ को देना चाहिए ही वोट इन्हों, तहरीके इंसाफ को देंगे वोट क्यों? लेकिन नून लीग सारी चोर है, आपको भी पता है इन पर केसेस चल रहे हैं, सारा मसला हो रहा है, तो कोई इतना बेकल तो नहीं है ना कि दोबारा ही हम अजमाए हुओं को दोबारा फिर हम अजमाएं यहाँ पे। लेकिन महंगाई से तो लोग तरीके इंसाफ की हुकूमत से आती है, हर दौरे हुकूमत में महंगाई आती है, लेकिन इससे ज़्यादा आज तक पहले नहीं हुई महंगाई। इंशाल्लाह सही होगा। आप इसको, आपने 30 साल दूसरे हुक्मरानों को देखा ना, इसको भी तो देखे ना, एकदम से वो कुछ जादू का अलादीन का चिराग लेके नहीं आएगा कि सब कुछ ठीक करके चला जाएगा, कुछ उसको पीरियड। लेकिन जब वो धरने में कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे मैं 90 दिन में सारा कुछ ठीक कर दूंगा, सर ये भी तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे ना नवाज शरीफ लोग, ये जरदारी लोग, आज ये सारे चोर इकट्ठे हुए हुए हैं। तो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट देंगे? मैं साहब ज़्यादा उस्मान को वोट दूंगा, या तहरीके इंसाफ से कोई भी होगा उसको इंशाल्लाह देंगे वोट। तरीके इंसाफ को? क्या वजह है इसकी? जो भी है तरीके इंसाफ को देना। नहीं, कोई वजह तो होगी ना? वजह यही है, बहुत अच्छा आदमी है, उसको वोट देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए फिलहाल अभी। ठीक है, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता को अच्छा आदमी इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर, महंगाई भाई जान देखे ना, हर दौर में महंगाई हुई है, इससे ज़्यादा आज तक नहीं हुई। ये सारी चीज़ें ऐसी साथ साथ ही चलती हैं, इसे कोई मसला नहीं होता। आप तरीके इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन है इमरान खान? मुतमईन है 100%। तो तरीके इंसाफ की वोट देंगे? जी जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नून लीग को, नून लीग को क्यों, क्या वजह है? वो तो कहते हैं सारे वो चोर है, ये चोर सब तो बड़ा है, ये सब तो बड़ा चोर है, सारे लुट के खा गया, ये बड़ा वड्डा गिरदार है पाकिस्तान के, इन्हें तो रहने कख नहीं था, गरीबों मार छड़े, जो गरीब है उन्हें भी मुक चले, एडा गलत बंदा, एडा करप्ट बंदा है, इन्हू खत्म होना चाहिए। लेकिन नून लीग, नून लीग भाई जिंदाबाद। लेकिन हुकूमत उन्होंने रहेगी ना? किना दी? पीटीआई की हुकूमत रहेगी। किस तरह पीटीआई भाई हुकूमत, जो नून लीग वोट देंगे तो नून लीग अगे आएगी ना? जमनी इलेक्शन हो रहा है साढ़े हल्के का। अच्छा ठीक है, वैसे तो हुकूमत तरीके इंसाफ की रहेगी, तो अही वोट जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने देने। हाँ जी, नून लीग को। क्या वजह है इसकी? अच्छे आदमी है, कारोबारी आदमी है। लेकिन उन पे तो वो बड़े ज़्यादा इल्ज़ाम आते हैं कि वो चोर हैं, वो लूट के खा गए हैं, मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, तो किस तरह आप कैसे कह सकते हैं वो अच्छे बंदे? वो इसलिए अच्छे बंदे हैं कि वो उतने उन्होंने जितना भी काम किया अच्छा किया। अब ये उनको चोर कह रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, ये गलत कह रहे हैं, ये खुद चोर हैं। ये जो हमारा वज़ीर आज़म है ना, ये यहूदी लाबी है, ठीक है, इसलिए दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता इसको वज़ीर आज़म रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने तो उन्हें सादक और अमीन करा दिया, गलत किया है ना, अदालतों ने गलत किया, वो सादक अमीन नहीं है। तो नून लीग को वोट देंगे? इंशाल्लाह नून लीग को।